दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं राधा राणा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल राधिका ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। और आज मैं अपने बच्चों को देने वाली हूँ कुछ थोड़ा सा सरप्राइज, मतलब उनकी मनोकामना पूरी करने वाली हूँ। बहुत दिनों से उनकी एक इच्छा थी कि मम्मी हमें मतलब चाउमीन खाना है। मार्केट में कभी भी जाते थे हम लोग कि चाउमीन खिला दो, और ये मतलब जिद करते थे पापा से कि चाउमीन ले आना। लेकिन तो मैंने सोचा चलो आज घर पे ही क्यों ना उनके लिए चाउमीन बना दूं, उनको भी अच्छा लगेगा। और जो घर मतलब आते हैं तो थोड़ा मतलब कभी कभी कुछ कुछ मतलब ऐसी चीज़ें खिलानी ही चाहिए बच्चों को। तो फिर मैं सोच रही हूँ चलो आज बना देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि दिवित का टाइम होने वाला है, उससे पहले मुझे ये बनाना है क्योंकि सरप्राइज जो देना है अपने बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चाउमीन बनाना कर दिया था स्टार्ट। चाउमीन मैंने पहले ही उबाल ली थी, सब्जियाँ भी मैंने पहले काट ली थी, और ये सारी चीज़ें वेगनर और सोया सॉस भी निकाल लिया था। और यहाँ मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल डाल लिया था। कढ़ाई थोड़ी काली दिख रही होगी क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, और बरसात में लोहे की कढ़ाई में थोड़ा जंग लग जाती है। वैसे ये साफ़ हो जाती है, पर अभी थोड़ा बरसात के टाइम में ना ऐसा हो रहा है। और सब्जियाँ भी मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राई मैंने थोड़ा डार्क किया था सब्जियों को, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा कच्चा कच्चा पसंद नहीं, वो सारा निकाल देती, इसलिए मैंने थोड़ा डार्क फ्राई किया था। और वीडियो जो है मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई, क्योंकि ये तो थोड़ा फिर लॉन्ग हो जाती है तो फिर सही नहीं रहता इतनी ज़्यादा लॉन्ग, और तो मैंने छोटा ही बनाया था। तरीका पूरा मैंने दिखाया नहीं था, बस थोड़ा सा दिखाया मैंने, सीधे पूरा मैंने सीधे बना बनाया ही दिखाया जब तैयार हो गया था चाउमीन। आप देखते हैं टेस्ट में कैसी होती है, क्योंकि बन के तो कुछ ऐसी दिखती है। और सब्जियां मैंने थोड़ी कम ही डाली है इसमें, क्योंकि मेरे बच्चे ना सब्जियां सारी निकाल देते हैं इसीलिए, और थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर दिया उन्हें तो दिख नहीं रहा है। ये ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। चाउमीन तो मैंने तैयार कर ली है, और अब जाऊंगी मैं दिवित को लेने, और उसे बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर बता दूंगी तो फिर उसे सरप्राइज तो उसका ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए मैं मतलब उसे नहीं बताऊंगी। मैं उसके कपड़े चेंज वेंज करके सीधा उसे दूंगी, देखती हूँ कैसा रिएक्ट करता है। क्योंकि बहुत दिनों से कह रहे थे मुझसे कि मम्मी चाउमीन खिलाओ चाउमीन खिलाओ, और पापा से भी, तो फाइनली आज मैंने उनकी मनोकामना जो है वो पूरी कर ही दी है। तो देखते हैं अब आता है, और आप रिएक्शन देखना उसका। मैं जब आप मतलब उसे चाउमीन दूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे रिएक्ट करता है। वो आ गया है स्कूल से, मैंने उसके कपड़े भी चेंज कर दिए, मतलब वो अभी बनियान में ही है, और मैं अब ले जा रही हूँ उसके लिए ये चाउमीन। अब देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देबू देखो मैंने आपके लिए बनाया मैगी नहीं चाउमीन। आप बोल रहे थे ना दीदी और आप कि हमें चाउमीन खाना है ना, तो कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत टेस्टी। वाह, मैंने बनाया आपके लिए, मेरा बाबू मांग रहा था ना। हाँ तो चल मैं पानी लेके आऊँ। कैसा लगा पहले ये तो बता। अच्छा लगा, खुश हुए या नहीं? कितने खुश हुए? हाथ से बताओ कितने खुश हुए, हाथ से बताओ। इतना इतना कितना? बहुत सारा। अच्छा ठीक है फिर, ओके खाओ खाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। तो हो गया है खुश, उसे मैंने दे दिया है चाउमीन, और अब देखते हैं एंजल क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि उस वो आएगी तो उसे भी पहले दिखाऊंगी नहीं, सीधा दूंगी उसे चाउमीन, तो वो क्या रिएक्ट करती है उसे भी देखेंगे। और मैं ये दिवित के लिए ले जा रही हूँ पानी, तो अब मैं इसे पानी दे के और मिलते हैं आपसे उसी टाइम जब एंजल आएगी। तो एंजल आ चुकी है स्कूल से, और अब मैं इसे बता देती हूँ इसका सरप्राइज। एंजल, मैंने आज तुम दोनों की एक विश पूरी की है। कौन सी सोच, कौन सी होगी सोचो। आई डोंट नो, चलो मैं बता देती हूँ। मैंने आज तुम मतलब मैंने आज तुम दोनों के लिए चाउमीन बनाई है।
चाउमीन। ठीक है तो फिर जल्दी से देखिए दोस्तों, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, कितने दिनों से कह रहे थे चाउमीन खाना है चाउमीन खाना है, कब बनाओगी, बाजार में नहीं खिलाती हो तो घर में ही बना के खिला दो, लेकिन ये देखिए रिएक्शन इनका, बड़ा खुश भी हो जाए यार। चलो फिर तुम चेंज कर लो, उसके बाद मैं देती हूँ, ठीक है? तो ये चेंज कर लेगी एंजल, उसके बाद मैं दूंगी सरप्राइज, तो मैंने अभी बता दी क्योंकि फिर कहीं ये देख लेती ना किचन में जाके, क्योंकि इसकी आदत है, इसलिए मैंने पहले स्कूल से ये जब आई रूम के अंदर मैंने इसी टाइम बता दिया इसे कि मैंने आप तुम दोनों के लिए आज चाउमीन बनाई है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में मिलते हैं, ये जब एंजल चाउमीन खाएगी तो ये शूट करेगी कैसी बनी है। यहाँ मेरे बच्चे खाना, ये तो दिब्बू तो दोबारा भी खाने लगा ना दिब्बू, ये खाना शुरू कर रहे हैं। एंजल एंजल तो चॉपस्टिक से खा रही है। एंजल कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा ये बता मेरा सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अरे मैं ओ मेरा बच्चे को भी अच्छा लगा, थैंक यू बोलो तो। ओके वेलकम बेटे। अरे बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे ना, इसीलिए मैंने आज बना लिया। तो खाओ फिर फटाफट। तो आज का सरप्राइज चाउमीन वाला तो मैंने दे ही दिया है, और मेरे सरप्राइज तो बहुत अच्छा था। कैसा था दिब्बू सरप्राइज? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। ओके तो फिर मतलब बहुत दिनों से बोल रहे थे बच्चे कि मम्मी चाउमीन बनाओ, तो मैंने आज तो मेरा बेटा मतलब बहुत दिनों से ये दोनों कह रहे थे, तो मार्केट से तुम हम लोग लाए नहीं, तो मैंने घर में ही बनाया, तो सरप्राइज तो मुझे देना ही था, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज ये लोग स्कूल से आएंगे तो मैं चाउमीन ही दूंगी इन्हें, तो मैंने सोचा चलो जब बच्चों को सरप्राइज दे ही रहे हैं तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, तो मैंने ब्लॉग भी बना लिया और सरप्राइज दे भी दिया मैंने, मतलब पूरा हो ही गया है। तो आप इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दबन दबा देने का मतलब होता है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलना। और दिवित के साथ साथ मैं भी अब थोड़ा थोड़ा दिवित के जैसे बोलने लगी हूँ, तो प्लीज इसे इग्नोर कर देना, क्योंकि होता है ना ये दिवित हमेशा दपंग दपंग कहता है, तो मेरे मुंह से भी वैसे ही निकलता है, तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। और अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि कल मिलेंगे आपको एक ब्लॉग के साथ। हाँ बड़ा हो गया है इसलिए मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, फ्रेंड्स लोगों को ज्यादा बोर नहीं करते ना। हाँ हाँ फ्रेंड्स लोगों को बोर नहीं करते, इसलिए छोटा ब्लॉग बनाना चाहिए ताकि वो हमें फुल वॉच करें। और प्लीज दोस्तों फुल वॉच कीजिए, ताकि मतलब हमारा थोड़ा भला हो सके। तो फिर हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बातें बहुत हो गई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बोलो तो बाय, बोलो बाय बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।